यह एपिसोड ऑटोमोटिव आफ्टर मार्केट में चल रहे ट्रेंड और सर्विस के तरीकों को देखते हुए बनाया गया है। दोस्तों, एक्टिवा 6G में आज एक अनोखी प्रॉब्लम आई है। इसमें की ऑन करते ही इसका फ्यूज उड़ जा रहा है। ऐसे में हमने उसकी वायरिंग चेक की और फॉल्ट पकड़ में नहीं आया। हमें शक है कि प्रॉब्लम ECU में है, लेकिन उसे रिप्लेस करने से पहले उसके इनपुट और आउटपुट की जांच करेंगे। सबसे पहले IEC वॉल्व और पर्च वॉल्व को ECU से सप्लाई मिल रहा है या नहीं ये चेक करेंगे। IEC वॉल्व का वोल्टेज सप्लाई चेक करने के लिए मल्टीमीटर को 20 वोल्ट DC पर सेट करके उसके रेड प्रोब को वॉल्व कपलर के रेफरेंस यानी दिखाए गए पिन में और ब्लैक प्रोब को ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। दोस्तों, हमें यहाँ 12 वोल्ट की रीडिंग मिलनी चाहिए जो कि नहीं मिल रही है, मतलब ECU से सप्लाई नहीं आ रहा। लेकिन अभी भी ECU को खराब घोषित करने से पहले हम चेक करेंगे पर्च वॉल्व की वोल्टेज सप्लाई को, जिसके लिए मल्टीमीटर को 20 वोल्ट DC पर सेट करके उसके दोनों प्रोब को पर्च वॉल्व कपलर के दोनों पिन में कनेक्ट करेंगे। हमें यहाँ 12 वोल्ट का बैटरी वोल्टेज मिलना चाहिए जो कि नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ECU से वोल्टेज सप्लाई यहाँ भी नहीं मिल रहा है। लेकिन ECU खराब है ऐसा कहना अभी भी सही नहीं होगा, क्योंकि अभी एक आखिरी टेस्टिंग बाकी है और वो है ECU को बैटरी से आने वाले वोल्टेज सप्लाई। इसे चेक करने के लिए मल्टीमीटर को 20 वोल्ट DC पर सेट करके उसके रेड प्रोब को ECU कपलर के रेड व्हाइट वायर यानी दिखाए गए इस पिन में और ब्लैक प्रोब को ग्राउंड में कनेक्ट करेंगे। हमें यहाँ 12.08 वोल्ट रीडिंग देखने मिल रही है। इसका मतलब ECU को मिलने वाला सप्लाई सही है और अब हम दावे के साथ कह सकते हैं कि प्रॉब्लम ECU में है। दोस्तों, ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन आपके गैराज में कौन सी लेटेस्ट प्रॉब्लम आई है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको OBD स्कैनर कनेक्शन को लेकर कोई भी कंफ्यूजन है तो चिंता ना करें, हमने इस टॉपिक पर पहली वीडियो बनाया है, उसे जरूर देखें। साथ ही मैकेनिक TV हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।